अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। इसके पीछे सेक्शन लिखे से वालेकुम। मेरा नाम है शेख अब्दुल वहीद, हैदराबाद हरण ज्योति कॉलोनी उपगुड़ा हैदराबाद का रहने वाला हूँ। और मेरा जो ऑटो है TA05UC2650, ये ऑटो मैं चला रहा हूँ। ये शालीबंडा चौरस्ते पे पुलिस वाले पकड़ लिए, फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस वाले। ये पुलिस वालों की स्लिप है मेरे पास, और ये जो PS में है स्लिप दे दिए, नो एंट्री का चालान, और ये विदाउट यूनिफॉर्म के वजह से फलकनुमा PS वाले मेरी गाड़ी शीश करे। तो इतना फलकनुमा PS वालों को गाड़ी शीश करने का परमिशन CM साहब कब से दिए? और उसके बाद जब फलकनुमा PS वाले गाड़ी शीश करके RTO के हैंड ओवर करे, मैं साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साहब मेरे पास ओरिजिनल RC है, ओरिजिनल परमिट है, ओरिजिनल फिटनेस की स्लिप है, उसके बावजूद भी क्या करे, भल्लागुड़े RTO को लिख दिए। उसके बाद भल्लागुड़ा RTO में आए तो मेरे को चालान दिए, देखो RTO साहब चालान दिए 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का चालान है। ये कोटवेट स्लिप दे रहा हूँ। अब हम लोग गरीब आदमी एक एक दिन में 5,000 का चालान कैसा देंगे साहब? मैं KCR साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे इंस्पेक्टरों को अगर शहर में रखे तो खुदकुशी के सिवा ऑटो वाले और कुछ नहीं कर सकते, ऐसे एक्शन ले लो। हाँ, मेरे पास लाइसेंस भी है। एक यूनिफॉर्म के लिए गाड़ी शीश करना ऐसा क्या जुलूम है साहब? एक ऑटो ड्राइवर यूनिफॉर्म नहीं पहना, और TA05 की गाड़ी नलगोंडा का तेलंगाना में नहीं है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है ना, तो तेलंगाना वाले आपको सिर्फ हैदराबाद वाले वोट डालना, TRS वालों को तेलंगाना में नलगोंडा वाले वोट नहीं दिया आपको। अब 2023 में इलेक्शन आ रहा, KCR साहब आपसे गुजारिश है, ऐसा जुलूम हमारे ऑटो वालों के ऊपर होगा ना, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, ऑटो वाले तुम्हारे को 2023 में क्या है सो बता देते। पूरा हाल तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पूरी एक एक ऑटो को 5,000, 10,000, 15,000 का चालान दे रहे आप। क्या ऐसा दिए तो फिर ऑटो वाले जिंगे कैसा? गाड़ी का किराया निकलना, फाइनेंस बनना या डीजल के पैसे निकलना, ऊपर से ओला उबेर लगाए, जो टैक्सी वाले जो ओला उबेर कैप वाले उनको भी बोलना TA05 की गाड़ी नहीं आना, वल्ली हैदराबाद रजिस्ट्रेशन के गाड़ियाँ चलना, तो बोल दो ना। टैक्सियों को भी बंद करो, ऑटोओं कुछ क्यों बंद कर रहे हैं आप? टैक्सियों में नहीं आना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नहीं आना, सिर्फ क्या है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के गाड़ी हैदराबाद में चलना, ऐसा रूल्स फॉलो करके लिख के छोड़ दो हमारे को, बोल दो। ऐसा जुलूम बहुत सह लिया साहब, हम अब नहीं सह सकते, हमने तो खुदकुशी करके मर जाते हम तुम्हारे नाम पर, KCR CM के नाम पर मैं फाइल लिख के खुदकुशी करके मर जा रहा हूँ। और ऑटो ड्राइवर के साहब, एक ऑटो ड्राइवर चलाने वाला रहता, उनके पीछे 5-6 फैमिलीज रहते, हमारे माँ बाप भाई बहन, शादियों के खर्चे रहते, मजदूर बेवा औरता घर में रहते, जैसा कि शोहर मर गया मेरे माँ का, मेरे बाबा नहीं है तो माँ को तो मेरे को ही पालना पड़ेगा, फिर मेरे भाइयाँ हैं, मेरे बहनों की जिम्मेदारी उठाना है। ऐसा जुलूम मैं एक एक दिन में 5,000-5,000 रुपये का चालान मैं अगर सी PS को कब से पावर दिए तुम? RTO रोकना गाड़ियों को, परमिशन RTO साहब रोक के हमको चालान देना। PS वाले मामूल सा ये कांस्टेबल आके गाड़ी में बैठ के बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साहब, SI साहब हमको गालियाँ दे रहे, बदतमीजी से गालियाँ दे रहे हैं हम लोग को। शालीबंडा सिग्नल पे मेरा वीडियो है, अब चेक कर ले सकते हैं उसमें ट्रैफिक के, उनका SI साहब का नाम है मोहम्मद मुनव्वर, SI साहब का नाम है मोहम्मद मुनव्वर, बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमको, तो हमको ऑटो वालों को क्या समझ रहे तुम लोग? हम आपके वोटर है KCR साहब, ऑटो वालों को आप क्या करें, टैक्स माफ बोल के इलेक्शन में जीता है आपको, पहले CM ऑटो वालों से बने आप, ऑटो वालों के ऑटो से टैक्स माफ करें, पहले टैक्स माफ करें, नेक्स्ट CM बन के क्या करें, एक एक ऑटो वाले को 5,000-5,000 का चालान दे रहे तुम एक एक दिन में, ऐसी तुम्हारी कानून, तुम्हारे सी तो कांग्रेस सरकार अच्छी थी, 50 रुपये का चालान करके देते रुबाब से जब का जब में, कांग्रेस सरकार अच्छी थी आपसे, ऐसी हुकूमत कुत्तों है ऐसी जिंदगी। 2023 में हम जरूर बताएंगे ऑल तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स पूरा मिल के आपको बता देंगे साहब, ये ऐसे SIOं को फौरी सस्पेंड करो, लाइसेंस रहने के बाद यूनिफॉर्म रहने, एक यूनिफॉर्म के लिए गाड़ी चीज करने का परमिशन कैसा है, कौन से कानून में मेरे को बताओ।